Assalamualaikum viewers and welcome back to my YouTube channel Kiza Fashion Blogger. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और आप सबके लिए दुआगू हूँ. तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए. तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वेडिंग डेकोरेशंस, वेडिंग सेरेमनी डेकोरेशंस जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी सी आज मैं आपके लिए थीम्स लेके आई हूँ, कलर्स की थीम्स और पूरी डेकोरेशन की थीम्स. और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको किस तरह अरेंज कर सकते हैं. अगर आपने ख़ुद कोई वेडिंग अरेंज करनी है, वेडिंग सेरेमनी अरेंज करनी है, तो आप यहाँ से बेशुमार आइडियाज़ ले सकते हैं. तो चलें इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी डिज़ाइन, कोई भी आइडिया मिस ना कर सकें. तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं इसमें ब्लू कलर के आप कर्टन्स लगा सकते हैं, लाइट ब्लू एंड ये देखें फ्लावर्स के साथ भी आप कर सकते हैं, जैसे गेंदे के फूल होते हैं उनके साथ भी आप इस तरह कर सकते हैं देखें. और कर्टन्स के ऊपर लाइटिंग कर सकते हैं जैसा कि ये की हुई है, जैसे ये भी कर्टन के ऊपर लाइटिंग की हुई है. येलो आप कलर की थीम रख सकते हैं, अगर वाइट है तो सब कुछ वाइट कर लें, अगर येलो है तो आप सब कुछ येलो कर लें और अंदर कोई और शेड का, जैसे इसमें पिंक कलर के शेड का कॉम्बिनेशन है, ब्लू का कर सकते हैं. येलो वाइट ब्लू बहुत प्यारा लग रहा है, सिंपल सा. सिर्फ दुल्हन के लिए जो बैठने वाली जगह है आप वो उसको डेकोरेट कर सकते हैं और बाकी भी आपकी मर्ज़ी, आप जैसा मर्ज़ी करें अच्छा लगेगा. जो भी करेंगे अच्छा, जो हम खुद सोच के करते हैं वो बहुत अच्छा होता है, जो दूसरे के मशवरे से करते हैं उसको उसमें ये होता है हमें सोचने में आसानी हो जाती है. तो ये देखिए अगर आपकी मेहंदी का कोई फंक्शन है तो आप इस तरह कर सकते हैं. और ये देखिए कितना प्यारा ऑरेंज कलर की थीम है. तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी. कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.